हेलो फ्रेंड्स एस एन डी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम साइलोजिज्म के आयदर और कंसेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे लास्ट वीडियो में हमने साइलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए थे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताजो कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आयदर और में तीन कंडीशन होती हैं अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आयदर और का केस बनता है पहली कंडीशन है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम मतलब कंक्लूजन में दिया गया एलिमेंट्स सेम होना चाहिए एक एग्जांपल से समझते हैं सम ए आर बी नो ए आर बी यहां पर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए सेकंड है वन वन कंक्लूज कंक्लूजन शुड बी बी पॉजिटिव मस्ट नेगेटिव मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर बी ये पॉजिटिव कंक्लूजन है नो ए आर बी ये नेगेटिव कंक्लूजन है थर्ड है बहुत बहुत कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिव्यूजल दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअल रॉन्ग होना चाहिए आगे है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फर्स्ट है सम ए आर नोट बी ऑल ए आर बी सेकेंड है सम ए आर बी आर नोट बी थर्ड है सम ए आर बी नो ए आर बी मैक्सिमम टाइम आपको यही पेयर कंक्लूजन में दिखेगा जहां पर आयदरों का केस बनेगा इसमें एक एक्सेप्शन है ऑल ए आर बी नो ए आर बी इसमें आयदरों का केस नहीं बनता है बाक जो मैंने आपको पहले बताया था ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें आयदरों का केस बनेगा इसमें एक नोट है नोट नोट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन में आइदर के केस में क्वेश्चन में व्हेन वेन एवर देर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम देन ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन बिल बी ट्रीटर रोड बिल बी ट्रीटर रोंग मतलब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अकल दो एलिमेंट में कोई भी रिलेशन ना हो हम उसे रोंग ट्रीट करेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं सम ए आर बी सम ए और बी का ये पोर्शन कॉमन है सम बी और सी और बी और सी में ये पोर्सन कॉमन है अगर ए और सी में हम ए और सी में पूछे तो कोई भी रिलेशन नहीं है अगर ए और सी में कोई पूछे सम ए आर सी तो रोंग हो जाएगा सम सी आर ए ये भी रोंग हो जाएगा अगर पूछे ऑल ए आर सी ये भी रोंग आ जाए रोंग हो जाए

ब्रिक्स में ये पोर्शन कॉमन है सम गेट आर प्रूफ सम गेट आर रूफ ये रूफ और गेट में कॉमन है ऑल टायर्स वो ब्रिक्स में आएगा ऐसे, ऑल टायर्स आर ब्रिक्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम ऐसे बनेगा हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं सम टायर्स आर गेट समर्स टायर्स और गेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम इसे रोंग कर देंगे सेकेंड है नो गेट इज अ टायर नो गेट इज अ टायर यह भी रोंग होगा क्योंकि टायर और गेट में कोई भी रिलेशन नहीं है मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी वो तीनों कंडीशन को देखते हैं इंडिविजुअल रोंग होना चाहिए दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअल रोंग है दूसरा था एलिमेंट सेम होना चाहिए यहां पर भी टायर्स है यहां पर भी टायर है यहां पर भी गेट्स है यहां पर भी गेट्स है दोनों का एलिमेंट सेम है और एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए यहां पर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ये यह पर नेगेटिव कंक्लूजन है तो यहां पर और का केस बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट है सम डोल्स आर सम रॉकेट्स आर इंजन ऑल इंजन आर सॉलिड्स कंक्लूजन है नो डोल इज अ सोलिड नो सोलिड इज अ इंजन सम डोल्स आर सॉलिड्स नो इंजन इज अ रोकेट हम स्टेटमेंट का वेंटाइग्राम ड्रॉ करते हैं सम डोल्स आर रॉकेट ये रॉकेट और डोल का कॉमन पोर्शन आ गया सम रॉकेट्स आर इंजन सम रॉकेट्स आर इंजन ये इंजन और रॉकेट का कॉमन पोर्शन आ गया ऑल इंजनस आर सॉलिड ऑल इंजनस आर सॉलिड्स ये सॉलिड आ गया स्टेटमेंट का हमने बैन डाइग्राम ड्रॉ कर लिया अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं फर्स्ट कंक्लूजन है नो डोल इज सॉलिड नो डोल इज सॉलिड दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है नोट में आपको बताया था मैंने अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो हम उसे रोंग ट्रीट करेंगे डोल्स और सॉलिड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम इसे रोंग कर देंगे सेकंड है नो सॉलिड इज इंजन नो सॉलिड्स इज इंजन यहां पर हम देख रहे हैं सॉलिड और इंजन में रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है तो हम इसे रोंग कर देंगे क्योंकि इन्होंने कहा सॉलिड और इंजन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है पर पराम के अकॉर्डिंग सॉलिड और इंजन में रिलेशन है सम 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 आर आर सॉलिड्स सॉलिड्स यह भी रोंग हो जाएगा डोल डोल्स और सॉलिड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है नो इंजन इज अ रॉकेट नो इंजन रॉकेट गलत हो जाएगा क्योंकि और रॉकेट पोर्शन कॉमन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी और कहा था अगर सारे के सारे कंक्लूजन रॉन्ग हो तो सतर्क हो जाना कि यहाँ पर आयदर वो केस बनेगा कि के नहीं बनेगा पहले आप देखिए नो सम एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन एक नेगेटिव होना चाहिए यहां पर सम और नो बन रहा है यहां पर भी यहां पर भी दोनों का एलिमेंट्स सेम है तो यहां पर आइदर का केस बनेगा यहां पर बनेगा आइदर फर्स्ट फॉलो और थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट है सम कास्केट्स आर टेप्स समेप आर सैचेस्ट कंक्लूजन है नो से कास्केट नो टेप इज ए काट समट हम स्टेटमेंट का बैंडैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं सम कास्केट आर टेप्स कास्केट्स और टेप में ये पोर्शन कॉमन है और समेप आर सैचस्ट समेप्स आर सैट्र ये सैट्रस्ट और टेप में कॉमन है कंक्लूजन है हमारे पास नो इज अ सेट कास्केट्स और सैच के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है मैंने नोट में आपको बताया था अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो तो हम उसे रोंग ट्रीट करेंगे तो ये रोंग हो जाएगा सेकंड है नो टेप्स इज अ कास्केट नो टेप इज कास्केट यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट के डायग्राम के अकॉर्डिंग टेप्स और कास्केट में रिलेशन है तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टेप और कास्केट का कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन है सेकंड थर्ड है सम सैटिस्ट आर कास्केट समस्ट आर कास्केट दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है नोट वन के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो तो हम उसे रॉन्ग ट्रीट करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा ये तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए तो हम देखते हैं आइदर और केस बनेगा कि नहीं बनेगा उसके लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए और दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए यहां पर भी सैच है यहां पर भी सैच है यहां पर नो यहां पर सम कास्केट कास्केट ये नेगेटिव कंक्लूजन है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है दोनों का एलिमेंट्स भी सेम है तो यहां पर आइदर और केस बनेगा आयदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो आई होप आपको ये आयदर ओर केस समझ आ गया होगा मिलते हैं अपने ने, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें